राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने। और जो आज का ब्लॉग है वो नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का, जिनका शुभ रंग है लाल। तो इसीलिए मैंने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा है। और देखिए, मेरे लड्डू भी सो रहे हैं। अभी मैंने जगाया नहीं उनको, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे, मैं 6 बजे जगाती हूँ अब, क्योंकि सुबह ज़्यादा मतलब अंधेरा रहता है ना, जल्दी होने लगी है अब। 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहता है, तो मैं उठाती नहीं उनको 6 बजे से पहले पहले। और ये तीनों सो रहे हैं, राधिका वीर और राधिका के पापा। और इनकी चारपाई बिछाई हुई थी, मुझे पोछा लगाना था, तो मैंने इनका कहा कि आप बेड पर लेट जाओ, फिर आप पोछा नहीं लग पाता अच्छे से अगर चारपाई बिछी रहती है रूम में। तो नहाने से पहले मैंने क्लीनिंग का काम सारा कर लिया था, झाड़ू पोछा किचन में, रूम में, सब जगह। और पूजा मंदिर की सफाई की, उसके बाद पूजा मंदिर के बर्तन साफ किए, तब आई मैं यहाँ पे तुलसी माँ को सींचने के लिए। और देखिए, मैं आपको बाहर का भी दिखाने लग रही हूँ व्यू, क्योंकि अभी मैं 6 नहीं बजे ना, 5:45 के करीब टाइम हो रहा होगा जब मैंने ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं। और मैं अपना जो काम था मैंने सारा फिनिश कर लिया है, जो भी क्लीनिंग का है। और उसके बाद तब मैं लगी थी, सोचा मैंने चलो आज ब्लॉगिंग नहाने के बाद स्टार्टिंग करते हैं। तो ये तुलसी दल तोड़ के लाई हूँ मैं, ख़त्म हो गए थे, थोड़े से रह रहे थे, तो मैं और तोड़ के ले आई हूँ। और अब मैं बनाने लग रही हूँ, यहाँ पे दाल बना रही हूँ, काली दाल जो होती है उड़द की, वो और चने की दाल मिक्स करके बना रही हूँ मैं। जो मैं खाली चने की दाल बनाती हूँ तब भी राधिका को पसंद नहीं है चने की दाल, जो मैं उड़द की दाल खाली बनाती हूँ तो हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद नहीं है। दोनों दालों को मैं मिक्स करके बना लेती हूँ, तब तक खा लेते हैं सभी। और थोड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा तो मम्मी का व्रत है और बस, ज़्यादा खुश होके भी नहीं खाते इस तरह की दाल, तो मैंने थोड़ी बनाई ताकि दोपहर का काम चल जाए दाल में। और दोपहर के लिए बना रही हूँ मैं ये। और तो यहाँ पे मैंने दाल धोकर अच्छे से कुकर में रख ली है। पहले मैंने थाली में से ले की, क्योंकि एक बार देख लेती हूँ मैं, मोटा मोटा सा देख लेती हूँ कि इसमें कुछ तो नहीं है। जब साफ रेसिपी साफ ही है दाल, कुछ नहीं है दाल में मिलावट। उसके बाद धोकर मैंने कुकर में डाल दिए पानी डालकर, इसमें हल्दी और नमक डाल के सीटी लगवा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए, दाल रखते रखते सुबह के 6 भी बज गए हैं, और लड्डू को जगाने के लिए जा रही हूँ मैं, अभी उनको जगाती हूँ। देखिए, रूम में मैंने अभी अंधेरा किया हुआ था, क्योंकि सो रहे थे ना सब, तो इसलिए मैंने अंधेरा कर रखा था, लाइट ऑन कर दिया रूम की। अभी लड्डू को जगा रही हूँ। राधे राधे सभी को, मैं जग गया हूँ। और है आज छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का, तो आप सबको कात्यायनी माया के आज के छठे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका शुभ रंग है लाल रंग, तो मैंने इसलिए लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। और 6 बज गए हैं, लड्डू को जगा दिया है, और बच्चों की दोनों की छुट्टी है आज की, क्योंकि वीर के चल रहे हैं एग्जाम, तो वीर के एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन एग्जाम रहता है। तो कल एग्जाम था, आज की छुट्टी, और कल लास्ट एग्जाम है वीर का। और मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी जाता हूँ एग्जाम देने। बाकी राधिका का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उस एग्जाम का आज ओपन हाउस है, पीटीएम है, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो स्कूल में जाना है अपने, और हस्बैंड जाएंगे राधिका के स्कूल में, इसके पीटीएम में, और मैं जाऊंगी अपने स्कूल में। मुझे आज लेट जाना है, क्योंकि स्टाफ को जाना है ना, टीचर्स को, तो लेट जाना है मुझे। 8 बजे जाऊंगी मैं, और आने का टाइम वही 2 बजे है। हो गया है, सब अच्छे। ये वाला भजन में लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, ये वाला। चलो भाई लाडले, स्नान कर लो, चलो भाई नहाई नहाई कर लो। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए, नाई नाई कर ली है मेरे लाडले ने। और आज ना, आज मैं पहनाऊंगी इनको ये लाल वाले कपड़े, क्योंकि आज है माँ कात्यायनी का, तो जिनका शुभ रंग है लाल रंग, तो आज ये लाल रंग वाले कपड़े पहनेंगे। देखिए कैसे लेटे मेरी गोदी में, ना के आराम से लेट रही है ना। कपड़े पहन लो भाई, कपड़े पहन लो। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार और दिया जला लिया है, और अब करते हैं पूजा। और मैं
अभी सिंपल वाली पूजा करूंगी क्योंकि शाम को करूंगी। मेरे पास अभी मतलब मैं अकेली हूँ पूजा करने वाली, साथ में कथा सुनने वाले भी कोई नहीं है, बच्चे भी नहाए नहीं है, और कथा सब जब साथ में बैठे तभी सुननी चाहिए ना, तो इसीलिए। और हवन भी तभी अच्छा लगता है करते हुए जब सब बैठते हैं, तो मैं अभी अकेली हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ जैसे हमेशा शाम। तो माता रानी का वो प्रसादी ले आई हूँ मैं, और आज माता कात्यायनी का जिनको लगता है शहद का भोग, तो ये शहद है और ये फल और मिठाई, तो माता रानी को करती हूँ मैं पूजा। तो आज है छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का, तो आप भी दर्शन कीजिए माँ कात्यायनी के। जय माँ कात्यायनी। प्यारे का प्रिय भोग है शहद, तो उनके लिए मैं शहद लगा लाई हूँ भोग के, बाकी प्रसाद के साथ शहद का भोग भी, भोग लगाने के लिए लाई हूँ शहद। पूजा कर ली है मैंने, और अब बनाते हैं नाश्ता पानी। दाल भी फ्राई करती हूँ, छोंकती हूँ दाल को, और मैं दोपहर तक के लिए खाना बना के जाऊंगी। दाल ही बन चुकी है, प्रेशर निकल गया है कुकर का, छोंक लेती हूँ। तो ये बन गई हमारी दाल। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और नाश्ते के लिए भी और दोपहर के लिए भी मैं बना के जाती हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि ना स्कूल से आने के बाद बहुत थक जाते हैं। 2 बजे मैं आती हूँ और आते ही फिर खाना बनाने लग जाओ तो बिल्कुल मन नहीं करता बनाने का, इसलिए मैं दोपहर का खाना बना के जाती हूँ। जब मैं पहले 1 बजे आती थी ना, तब हमारे स्कूल जल्दी का था, 1 बजे आ जाती थी, तब मैं आके बनाती थी 1 बजे आती थी तब, लेकिन अब लेट का हो गया, 2 बजे आती हूँ तब बना के जाती हूँ मैं। ये राधिका ने मेरे लिए एप्पल कट करे, मैं लेके जाऊंगी वहां पे दोपहर को, लंच टाइम में खा लूंगी, रखने लग रही है टिफिन में। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने लग रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, नाश्ता करेंगे वे तब मुझे छोड़ के आएंगे स्कूल में। तो मैंने मोहन को भी नाश्ता दे दिया है, अब हस्बैंड जी के लिए चाय बना रही हूँ, उनके लिए लेके जाऊंगी नाश्ता, और इसके बाद नाश्ता करके तब लेके जाएंगे मुझे स्कूल में। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैंने किचन विचन सब क्लीन कर ली, चाय भी बन गई है। नाश्ता। राधे राधे मोहन, मैं जा रही हूँ स्कूल में। राधे राधे, राधे राधे, बाय, जय माता दी। तो शाम के बज रहे हैं 4, देखिए यहाँ पे राधे घर में लेटे हैं और ये वीर पड़ रहा है। और स्कूल से आने के बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, और चाय बनाई थी मैंने, स्कूल से आगे चाय पीने का मन कर रहा था बहुत मेरा। फिर और कल है मेरे स्कूल में मेरा एक्ट, जिसमें मैं बनी हूँ अंगद। इनके स्कूल में रामीला का एक्ट हो रहा है, बाली का पुत्र अंगद। हाँ, तो राधिका अंगद का रोल प्ले कर रही है इनके स्कूल में, इनकी इसकी क्लासमेट, बाकी बच्चे भी एक्ट कर रहे हैं रामीला में, और इनके स्कूल में हर बार होता है एक्ट रामीला का, कभी तो बॉयज करते हैं कभी गर्ल्स। हाँ, इस बार गर्ल्स है क्या? सारी गर्ल्स है सेवेंथ क्लास। अच्छा, तो इस बार सेवेंथ क्लास की गर्ल्स कर रही है, सेवेंथ मैंने राधिका, सेवेंथ क्लास की गर्ल्स कर रही है सभी एक्ट। और वीर का कल वो एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है हिंदी का, और इसके बाद बच्चे जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। मुझे भी जाना। मामा के जाने की सोच रही है, इनका मेला भरता है मेरे मायके में। और अब मैं उठती हूँ, मतलब सोई तो थी नहीं, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी लेटे लेटे, वीडियो मेरी एडिट हो चुकी है, मैंने अपलोडिंग पर लगा दी है। और मैं अपने लड्डू को जगाती हूँ, उनको दूध देती हूँ और चाय बनाती हूँ वापस से, एक बार फिर पीऊँगी चाय में। स्कूल से आकर तो पी थी मैंने 2 बजे, पर टाइम हो गया है, अब करते हैं पूजा। और ये वीर करने लग रहा है, कल को लास्ट एग्ज़ाम है, तो कल हिंदी का पेपर है, तो उसकी तैयारी कर रहा है। और कल एक्ट है, तो अपने एक्ट के लिए बस शायद कल तो चलेगा ना, क्लास चलेगी तुम्हारी? बाद में एक्ट होगा। अच्छा, तो ये अपना बैग खाली कर दिया, क्योंकि बैग लेके नहीं जाना, बस लंच बॉक्स लेके जाएगी, और एक रफ नोटबुक रख लेना है ना, रफ नोटबुक ले जाएगी। हाँ, यहाँ पर समेट सामान जो फैला पड़ा है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू को मैं ले आई थी पूजा मंदिर में, और करते हैं पूजा। नेत्र लाल विकटी विकराला रूप मातो को अधिक सुहावे दृश्य करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लकीना पालन हेतु अंदन जीना।
तो ये मैंने माता रानी के लिए फलाहार के लिए बनाए सूखे आलू की सब्जी। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला क्योंकि हमारे टमाटर हो रहे हैं ख़त्म, तो बस केवल सेंधा नमक जीरा और घी में छोंक लगाया। तो फिर माता रानी को लगाती हूँ मैं पहले भोग, उसके बाद तब मैं भी खाऊंगी प्रसाद। यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ अजवाइन वाला दूध कर रही हूँ वीर के लिए। अजवाइन डाल रखी है भून के इसके, क्योंकि कफ सा हो गया है, इसने कोल्ड ड्रिंक पी ली बहुत ठंडी फ्रिज की, जो कि पीनी नहीं थी इसको, ज़बरदस्ती करके पी लिया उसको ना, कफ सा हो गया है, छींक पे छींक आ रही, थोड़ा कोल्ड भी हो गया है। तो चाय ये पिएगा अजवाइन वाला दूध, साथ में रोटी के साथ लेगा। और मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी हूँ। मैं मम्मी के लगाने वाली हूँ मेहंदी। मम्मी हार दो देखिए। तो यहाँ पे राधिका लगाने लग रही है मेहंदी, इसे तरफ कर दे। क्या कर दिया ये, थोड़ा डिजाइन से सोच लेने तो आपके लिए। बेटा मुझे भी काम है, मोहन को भी सुलाना। ये देखिए मैंने मोहन को दूध तो पिला दिया है और अब सुलाऊंगी। टाइम देखिए टाइम हो रहा है 9:45 और अखंड ज्योत की बाती भी मुझे ऊपर करनी है और उसमें भी घी डालना है। ये सीधा आता है उल्टा आता है? ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड है ना, तो इसकी बैक साइड लगाऊंगी। नहीं मैं ब्रांड में बैक साइड नहीं है, फ्रंट साइड। बेटा ये काम है, मम्मी मैं नहीं लगवा रही। करो चौथ पे लगाइए। वीर कर रहा है उदय से वीडियो कॉल पे बात अपने पापा के फोन से। मम्मी और मम्मी भी कर दी है, वीर भी, उसके ताऊजी भी कर रहे हैं उदय से बात। तो रात के बज गए हैं 9:45 और देखिए बच्चे भी सो गए हैं, मतलब सोने लग रहे हैं। वीर तो सो गया है, राधिका भी अब सोने लग रही है। कार्टून वाली ये चादर इनको बहुत पसंद है, दोनों बहन भाइयों को, कार्टून वाली विक्की माउस वाली। आज की वीडियो ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं कल को आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। राधे राधे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। मैं रात्रि के ब्लॉग डेली डाल रही हूँ मैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर लेना वीडियो को मेरी। मिलते हैं आपसे फिर से, बाय।